तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि असुद्दीन ओवैसी ने कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा कोरोना संकट से निपटने की मोदी को नहीं बिल्कुल भी चिंता, देश की अर्थव्यवस्था और देश को कर दिया है अमित शाह और मोदी ने बर्बाद, कोरोना भी नहीं रुका। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वीडन में कुरान जलाने पर नाराज हुआ तुर्की, तुर्की ने स्वीडन को दे डाली खुली धमकी, कहा हमारी पवित्र पुस्तक के साथ इस तरह की हरकत हम नहीं करेंगे बिल्कुल बर्दाश्त। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा, रिया चक्रवर्ती अगर आज ज्वाइन कर ले बीजेपी तो फौरन क्लीन चिट दे देगी मीडिया और सीबीआई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान की बड़ी मुश्किलें, आजम खान की बहन और बड़े बेटे पर एक साथ 28 मुकदमे हुए दर्ज, योगी सरकार ने नोटिस भी कर दिया जारी, वहीं इन दोनों को भी जेल में डालने की योगी सरकार ने कर ली पूरी तैयारी, तो आजम खान को तगड़ा झटका। इस बीच अगली बड़ी घर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर का नक्शा बनकर हुआ तैयार, जल्दी शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। इस बीच अगली बड़ी घर में आपको बताएंगे कि चीन के खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने चुपचाप दक्षिणी चीन सागर में तैनात किए जंगी जहाज, क्योंकि चीन भारत पर हमले की है तैयारी में। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक सके, इसलिए राहुल गांधी को बनाया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष, क्योंकि राहुल ही हैं जो ले सकते हैं मोदी से टक्कर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती को आम आदमी पार्टी ने बताया भाजपा की सहयोगी दल, कहा चीन और कोरोना संकट के मुद्दे पर लगातार बीजेपी का उत्तर प्रदेश में दे रही है मायावती खुलकर साथ, और आने वाले समय में दोनों गठबंधन के साथ लड़ सकते हैं चुनाव। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसद पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कहा 2 करोड़ लोगों की चली गई है नौकरी, पर आप बीजेपी नेताओं को लगी हुई है सुशांत और रिया की चक्कर और जुनून। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने कोरोना को लेकर मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा कोरोना संकट से निपटने की मोदी को नहीं है कोई चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कोरोना को लेकर निशाना साधा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को कोरोना संकट से उत्पन्न हालात जैसे नौकरी जाना और अन्य समस्याओं से निपटने की बिल्कुल चिंता नहीं है। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में 2 करोड़ लोगों को इस समय सरकार वेतन नहीं दे रही है और करीब 8 करोड़ दिहाड़ी श्रमिकों का काम भी छूट गया है, लेकिन अब तक मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। आगे असुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 करोड़ बच्चे मिड डे मील से वंचित हो गए, इसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना सोचे समझे और असंवैधानिक तरीके से पूरे देश को लॉकडाउन किया और अब खुद समस्याओं को आमंत्रित किया और लॉकडाउन से भी कोरोना नहीं रुका और पूर्णतः विफल हुई कोरोना रोकने में, और अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम भी मोदी सरकार ने नहीं उठाए, तो एक जोरदार ये हमला असुद्दीन ओवैसी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने के बाद तुर्की हुआ नाराज, तुर्की ने स्वीडन को दे डाली खुली धमकी, कहा हमारी पवित्र पुस्तक के साथ इस तरह की हरकत नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इस्लामी विरोधी समूह टाइटल डायरेक्शन ने शुक्रवार की शाम को कुरान को जलाकर उसकी कुछ फोटोज और वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद स्वीडन में ये वीडियो और फोटोज बहुत वायरल हुए और फिर मुस्लिम समुदाय ने इस जानकारी के आते ही इसके खिलाफ धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया,
जिसके बाद वहां पर हिंसा भड़की और एक मुस्लिम विरोधी दंगा हुआ। अब इसी को लेकर तुर्की ने स्वीडन की इस घटना पर चिंता जाहिर की है और वहां की सरकार को ये कहते हुए चेतावनी दी है कि इस तरह की घटना बिल्कुल मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम देश बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम स्वीडन में इस्लामोफोबिक और नस्लवादी विचारधारा की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की घटना मुस्लिम दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं आगे तुर्की ने कहा कि हमारी पवित्र पुस्तक कुरान के खिलाफ ये नफरत भरा काम नाकाबिले माफी जुर्म है। इस तरह की घटना से पता चलता है कि यूरोप में मुसलमानों पर किस हद तक खतरा आ गया है और अब इस तरह की घटना तुर्की बर्दाश्त नहीं करेगा तो स्वीडन को ये खुली धमकी दे दी है, क्योंकि स्वीडन में किस तरह से इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान को जला दिया गया था। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें। आजम खान की बहन और बड़े बेटे पर एक साथ रामपुर में 28 मुकदमे हुए दर्ज। योगी सरकार ने नोटिस भी कर दिया जारी, अब जा सकते हैं ये दोनों भी जेल। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रामपुर पुलिस ने अब सांसद आजम खान की बहन और बड़े बेटे अदीब आजम खान पर भी कानूनी शिकंजा कस दिया है। इन दोनों को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े 28 मुकदमों में अभियुक्त बना दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें कब्जाने के मामले में सांसद आजम खान के खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में उनकी पत्नी और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को भी अभियुक्त बनाया जा चुका है। इस समय ये तीनों जेल में बंद हैं। पुलिस ने अब आजम खान की बहन और बड़े बेटे को भी अभियुक्त बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब बड़े बेटे और उनकी बहन को भी योगी सरकार जेल में डालेगी। जिस तरह से आजम खान और उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे जेल में हैं, तो किस तरह से बदले की भावना से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और आजम खान के पूरे परिवार को जेल में डालने की साजिश रची जा रही। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आजम खान की और मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसी बीच बढ़ते दो अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर का नक्शा हो गया बनकर तैयार। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंपा, वहीं जल्द शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। जय दोस्तों आप बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने शनिवार को राम मंदिर का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब राम मंदिर का नक्शा बनकर तैयार हो गया है और सभी विभागों से अनुमति मिलने के बाद जल्दी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ नक्शे के चलते राम मंदिर का निर्माण रुका हुआ था, लेकिन अब नक्शा बनकर तैयार हो गया और इसे अयोध्या भी भेज दिया गया है और जल्दी राम मंदिर निर्माण का ऐलान कर देगा ट्रस्ट। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि राम मंदिर का नक्शा बनकर तैयार हो गया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने किया बड़ा दावा। रिया चक्रवर्ती अगर आज ज्वाइन कर ले बीजेपी तो फौरन क्लीन चिट दे देगी मीडिया और सीबीआई। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच को 9 दिन पूरे हो गए और सीबीआई सुशांत मामले की तेजी से जांच कर रही है। वहीं शनिवार को भी सीबीआई ने सुशांत मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेजा और जानकारी ली। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती अगर आज भाजपा की सदस्यता ले ले तो फौरन जांच और मीडिया ट्रायल खत्म हो जाएंगे और बीजेपी की तरफ से फौरन क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया और सीबीआई भी अगर रिया चक्रवर्ती बीजेपी को ज्वाइन करती हैं तो मीडिया और सीबीआई भी इनको तुरंत ही क्लीन चिट दे देगी, क्योंकि ये बीजेपी के दलाल हैं और इसीलिए सिर्फ अपनी दलाली के लिए ही रिया चक्रवर्ती को टारगेट मीडिया और सीबीआई कर रही है। तो ये काफी बड़ा दावा किया है कांग्रेस नेता ने। इसी बीच बटे दो अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन के खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने चुपचाप दक्षिणी चीन सागर में तैनात किए भारतीय युद्धपोत। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन लगातार एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के खिलाफ लगातार एलएसी पर मिसाइलें और अन्य युद्ध जैसे विमानों को तैनात कर रहा है, जिसके बाद मोदी सरकार ने खतरे को देखते हुए चीन के हिंद महासागर में अपने युद्ध पोतों को चुपचाप तैनात कर दिया है।
और किसी देश यहाँ तक कि चीन को भी इसकी भनक नहीं लगने दी है। सूत्रों के हवाले से पहली बार रविवार को ये जानकारी मोदी सरकार ने देश को दी है। ये कदम इसलिए मोदी सरकार ने उठाया है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना दावा जता रहा है और सूत्रों का कहना है कि दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत तैनात करने का असर चीनी नौसेना पर दिखेगा। तो किस तरह से मोदी सरकार को चीन से डर है। इसी बीच बट दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवसेना ने किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो पीएम मोदी के सामने टिक सके। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से कांग्रेस में इस समय घमासान मचा हुआ है, इस बीच शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से रोकने पर कांग्रेस पार्टी देश से समाप्त हो जाएगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में पार्टी नेता संजय रावत ने कहा है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सके। कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष जो मैदान में सक्रिय रहे हैं और पार्टी कार्यालय में भी दिखे हैं कि नियुक्ति को लेकर सोनिया गांधी को 23 कांग्रेस नेताओं ने असहमति पत्र जताया था, जिसके बाद राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालने से रोकने पर भी इन नेताओं ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद अब शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी को नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ राहुल गांधी हैं जो टक्कर दे सकते हैं। तो ये बड़ा दावा शिवसेना ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मायावती को बताया आम आदमी पार्टी ने भाजपा की सहयोगी, कहा इसका दे रही है मायावती लगातार साथ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रविवार को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर जोरदार निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की वी टीम बताया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि आप प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि जैसे जैसे प्रदेश में पार्टी के आंदोलन और मुद्दों की गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही लोग आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि अब उनके विधायक भी खुद बेबस हो गए हैं, लेकिन इस समय मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ दे रही है और बीजेपी के ही गीत गा रही है। जैसा बीजेपी करती है उसी के आधार पर बीजेपी का लगातार मायावती पिछले दिनों से साथ दे रही है। संजय सिंह ने कहा चाहे वो अनलॉक की प्रक्रिया 4 हो या फिर चीन का मुद्दा हो, मायावती हमेशा से ही जो है बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है और अब आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की बी टीम मायावती को बताया है। तो ये बड़ा हमला संजय सिंह ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, कहा 2 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार पर आप लोगों पर सुशांत रिया का जुनून है सवार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका आरोप अब रिया चक्रवर्ती पर लगाया जा रहा है, लेकिन इस बार सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अब इसी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि विश्वकन्या रिया से पूछताछ करके हम सुशांत को ड्रग दिए जाने और उसका मर्डर किए जाने की गुत्थी सुलझा सकते हैं, उसे कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ किया जाना जरूरी है और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडू कटाजू ने उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि मार्च के बाद 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन आप बीजेपी नेताओं को रिया और सुशांत की रट लगी हुई है। आप असल मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी से ध्यान भटकाने में कितने माहिर हैं। आपको सुशांत सिंह राजपूत नहीं बल्कि देश की जनता में जो जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी गई है उसकी चिंता करनी चाहिए, ना कि सुशांत और रिया की। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो।